हेलो, जेपीएससी पीटी और मेंस की इकोनॉमिक्स की पहली क्लास आज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपके साथ, इकोनॉमिक्स का एक बहुत वाइटल पॉइंट है उसके सिलेबस को समझना, और उसी क्रम में हम आज सिलेबस एनालिसिस पहले करेंगे। सिलेबस एनालिसिस में सबसे पहले हम पीटी का जो पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, उसको पहले समझते हैं। पीटी में दो जगहों पर आपका इकोनॉमिक्स से सामना होगा। पहला जो कोर इकोनॉमिक्स पार्ट है, जैसे कि हमारी जनरल स्टडीज के अंदर साइंस आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, उसी तरह से इकोनॉमिक्स के आपके 10 क्वेश्चंस बनेंगे पीटी में से, दैट इज कोर इकोनॉमिक्स। उसके अलावा मिसलेनियस में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से आ रहे हैं। तो पहले पीटी का पोर्शन देख लेते हैं कि उसमें इकोनॉमिक्स की आपकी कौन कौन सी चीजें कवर होना जरूरी है। अगर पीटी की बात करें तो आपका पहला जो कोर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, जो कि फर्स्ट पार्ट है, वो है अराउंड 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस को हम डिवाइड कर सकते हैं फोर क्वेश्चंस एंड टू क्वेश्चंस। तो ये 10 क्वेश्चंस में से आपके 4, 4 और 2 ऐसे करके आएंगे। अगर हम इन 4 क्वेश्चंस की बात करें तो ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके, पहला जो पार्ट है 4 क्वेश्चंस का वो है बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका जो सेकेंड 4 क्वेश्चंस हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी और तीसरा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप ये अभी क्लियर है। ये जो 10 क्वेश्चंस हम कह रहे हैं जो कोर इकोनॉमिक्स में से आएंगे पीटी में, उनको आप डिवाइड कर सकते हैं 4 क्वेश्चंस बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी से, 4 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी स्ट्रक्चर से, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से। इसके अलावा जो मैं कह रही थी, ये आपके कोर क्वेश्चन हैं। उसके बाद है एक मिसलेनियस पार्ट, जिसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं, उसमें भी इकोनॉमिक्स से आपका सामना होगा, जहां पे अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये 2 से 3 क्वेश्चन बेसिकली होंगे पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो हम 2 से 3 क्वेश्चन कह रहे हैं, ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, WHO, UNO, इन सब से होंगे। तो ये आपके पीटी का सिलेबस है, जहां पे आपके 10 क्वेश्चंस आपके इन कोर इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स से आएंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी में आप हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, कितने तरह की होती है, इंडियन इकोनॉमी की क्या स्पेशलिटीज है, ये सब चीजें हम पढ़ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस हिसाब से रिलेटिवली एक रीसेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे हम करंट को साथ लेकर चलेंगे। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे आयाम और डायमेंशंस दिए हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं अलग अलग इकोनॉमिकल कमिटीज की, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुई है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुई है, वो सब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में आ जाएंगी। ग्लोबलाइजेशन में
आपने आप ये टर्म बहुत बड़ा सुना होगा विच इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसमें से L और P नहीं होगा, आप ही G पढ़ेंगे. तो दिस टेक्स केयर ऑफ द PT सिलेबस. आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ. मेंस में अगर हम देखेंगे तो हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा विस्तृत है और उसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की जरूरत है. तो उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे मेंस के सिलेबस के साथ. तो इसको इफ यू वांट मैं इसको इरेज कर देती हूँ और मेंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं. ये मेंस है. का उसको अगर आप आई ऑलवेज एडवाइस कि आप अपने पास सिलेबस रेडी रखें. जिनके पास सिलेबस नहीं है, अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप JPSC के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आई ऑलवेज एडवाइस कि वो ऑथेंटिक हो, ये इंश्योर करने के लिए आप JPSC के वेबसाइट से ही डाउनलोड करें. कोई लोकल कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या कोई लोकल पोर्टल से डाउनलोड ना करें. तो अगर वो नेक्स्ट टाइम से आप अपने साथ रखेंगे तो आप जब मैं बता रही होंगी तो आप उसको कंपेयर करने में आपको आसानी होगी. इसी के साथ आप अपने डाउट्स भी पार्क करके रख सकते हैं. अगर उनमें जो भी आपके सवाल होंगे वो अकॉर्डिंगली हमसे पूछ सकते हैं. क्लासेस के दौरान लास्ट के जो 10 मिनट होंगे वो हम डाउट्स के लिए रखेंगे. सो विल स्टार्ट. सिलेबस समझ लेते हैं एनालिसिस के साथ मेंस का सिलेबस. तो अगर आप ब्रॉडली सिलेबस को देखेंगे, JPSC ने जो दिया है उसने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ग्रुप ए, बी, सी एंड डी. वो देखते हैं पहले. तो ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड है एज पर JPSC सिलेबस. ग्रुप ए है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा कि इसमें से 4 क्वेश्चंस ईटी में भी आएंगे. So that makes it a very, very crucial chapter. तो basic features of Indian economy में PT और mains दोनों में ही handle होगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा analytically पढ़ेंगे. इसमें अगर आप देखें syllabus में तो आपके 11 chapters हैं. Okay, ये group A है. I hope ये clear है. ग्रुप बी में हमारे वेरियस टॉपिक्स हैं, वहां भी 11 चैप्टर्स हैं एज पर द सिलेबस. ग्रुप बी में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगेन ये आपका जो इकोनॉमिक्स PT का मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से आएंगे, उसमें ये पार्ट भी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये करंट रिलेटेड पार्ट होगा, इसलिए हम लोग उसको उसी हिसाब से करंट के साथ अटैच करते हुए भी पढ़ेंगे. ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद इसी में है इकोनॉमिक इश्यूज.
जहाँ पे वेरियस काइंड और वेरियस लेवल्स के इकोनॉमिक इश्यूज को हम पढ़ेंगे, जैसे कि सोशल इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, जो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करती है, वो सारे इश्यूज के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो तीसरा पार्ट है वो है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ये जो पार्ट है ये ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल एज वेल एज करंट से अफेक्टेड होगा। इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये वो है जहां पर इंडिया एज अ कंट्री क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाती है टू इकोनॉमिकली डेवलप इटसेल्फ। अगर हम फ्रीडम के टाइम से देखें तो इंडियन इकोनॉमी का जो बर्थ है, जो शुरुआत है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस ही शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले टोटली ड्रेन ऑफ वेल्थ और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था, इंडियन इकोनॉमी का शोषण हुआ था एक तरीके से। तो वो जो बर्थ हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, वो मेनली इंडिपेंडेंस के बाद से हुआ है। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि वो क्या स्टेप्स, वो क्या स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे करके वो ली गई है। उनके साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि उनके बारे में क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। आप मीडिया में, आप सोशल मीडिया में या आर्टिकल्स में बहुत बार पढ़ते होंगे कि वो इकोनॉमिकल डिसीजन गलत था और ये चीजें जो है वो वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से ली गई थी, उसमें किसी का पोलिटिकल फायदा फैसली ली गई थी। हम उन्हें भी एनालाइज करते चलेंगे ताकि जब आपके पास मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसमें अपना सही दृष्टिकोण रख सकें। सो ये थर्ड पॉइंट है। इसके साथ हमारे 11 चैप्टर्स ग्रुप्स बी के खत्म हो जाते हैं। ग्रुप सी में हमारे पास है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जैसे मैंने बताया था, ये पोर्शन पीटी में भी है। आपके जो कोर इकोनॉमी के 10 क्वेश्चंस थे उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी है। मैंने आपको बताया था इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बैंकिंग रिफॉर्म्स आ जाएंगी, फाइनेंशियल जो कमीशन, फाइनेंस कमीशन से उनकी रिकमेंडेशन आ जाएंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की गई हैं इकोनॉमी में वो भी आ जाएंगी। उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे रिफॉर्म्स हुई है और किस तरह से वो सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होता गया है। नेक्स्ट पार्ट जो है नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये अगर आप देखें तो ये बहुत एक वाइडली कवरिंग सब्जेक्ट है। ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आप ही साथ लेते चलेंगे। ये जो है ये डेटा या पॉइंट से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। ये इंडियन इकोनॉमी का नेचर और उसका इंपैक्ट कैसे सोसाइटी पर, इंटरनेशनल सिनेरियो में और नेशनल लेवल पर पड़ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इस टॉपिक के अंदर आप इकोनॉमिकल इश्यूज भी आ जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका एक अभिन्न अंग होगा, इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो भी इसमें आ जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज का ही इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है। यहां से आप देखेंगे तो बेसिक फीचर्स भी में ही इसका असर होगा, बिकॉज बेसिक फीचर्स जो इकोनॉमी की है, चाहे वो इंडियन हो या किसी भी नेशन की हो, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो इंडियन इकोनॉमी की जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कोर उसका एक एक आइडियल है, जो उसकी नैतिक मूल्य है, वो आज भी एक वेलफेयर स्टेट की ही है। और जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, तो आज भी उन मूल्यों को सबसे पहले रखकर फिर बाकी की चीजें उसके इनर अराउंड फ्रेम की जाती है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंगली हम सारे टॉपिक्स के अक्रॉस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपके 5 चैप्टर्स हैं।
ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी फिलहाल क्लियर है। ये हम जेपीएससी के गिवन सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। ये वो सिलेबस है जो कमीशन ने हमें अवेलेबल कराया है, ये आप जेपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या लोकल किसी भी रिलायबल मार्केट से लेंगे तो किसी शॉप से, तो वो अच्छे पब्लिशर की सिलेबस लेंगे तो उसमें गलतियां कम होंगी। इकोनॉमिक्स में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये रियलाइज किया गया है कि सिलेबस में बहुत सी जगह पे अगर वो कोई अच्छे पब्लिकेशन से नहीं ली है आपने सिलेबस, या ऑथेंटिक वेबसाइट पर जेपीएससी के वेबसाइट से लेना ही बेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज ये पाया गया है कि बहुत से टॉपिक्स गलत प्रिंट किए हुए हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि कहां पर वो टॉपिक गलत प्रिंट किया गया है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग हुआ है। ऐसा भी हुआ है इंक्लूडिंग मी, ऐसा हो चुका है कि एक से डेढ़ महीने तक आप उस टॉपिक को पढ़ते रहे हैं और फिर पता चलता है कि एक वर्ड के मिसप्रिंट की वजह से वो टॉपिक एक्चुअली कुछ और ही था और हम कुछ और ही पढ़ते रहे, तो उसको चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंगली। तो वो मिसगाइड होकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, दैट इज माई ओनली एडवाइस। ठीक है, सेक्शन डी हर सब्जेक्ट की तरह जैसे झारखंड स्पेसिफिक एक सेक्शन रहता है, वैसे ही यहां पर भी है हमारा झारखंड इकोनॉमिक्स। झारखंड इकोनॉमिक्स के हमारे अगेन पांच चैप्टर्स हैं और ये पांचों चैप्टर्स आपको सिलेबस में दिखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर क्या चैप्टर्स हैं वो भी हम आपको लिखवा देंगे। इफ यू वॉन्ट आप अकॉर्डिंगली मैसेज करने करा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे 11, 11, 5 एंड 5, ये हमारा जो टोटल सिलेबस है जो गिवन सिलेबस है जेपीएससी का, ये हो जा रहा है 32 चैप्टर्स इन ऑल। तो ये बेसिकली अगर आप देखें जेपीएससी का जो गिवन सिलेबस है ये आपके 11 प्लस 11 22 प्लस 5 7 7 प्लस 27 प्लस 5 32। तो ये जो आपके 32 चैप्टर्स हैं, यही वो चैप्टर्स हैं जहां पे मैं आपसे कह रही थी कि एक मेंटल ब्लॉक सा हो जाता है कि पता नहीं चलता कि हमें कैसे कंप्लीट करना है या हम कभी कंप्लीट कर पाएंगे भी या नहीं। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर लें अपने हिसाब से। ये अगर आप देखेंगे ये ब्लॉक ऑफ 11 चैप्टर्स, ब्लॉक ऑफ 11 चैप्टर्स अगेन, ब्लॉक ऑफ 5 चैप्टर्स एंड 5 चैप्टर्स देयर। इनमें से झारखंड इकोनॉमिक्स का जो है वो क्योंकि इकोनॉमिक्स है, झारखंड की इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक से बहुत कुछ अलग नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हमारे झारखंड मिनरल्स में बहुत रिच है और हमारा कृषि आधारित इकोनॉमी है, तो वो जो कुछ खास चीजें हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। ऑफकोर्स हम झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हम उसके अंदर में पढ़ेंगे और वहां से हमारा झारखंड इकोनॉमिक्स का काफी सारा पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। हम ज्योग्राफिकली भी देखेंगे, एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट वहां पर आएगा कि वो ऑफकोर्स आप झारखंड ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो आप उसके साथ इस पार्ट को रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि झारखंड में अभी रिसेंटली ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ जहां पे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज करके उनको उनकी सेल करके एक्सपोर्ट करके उनको जीआई टैग्स देकर उनको इकोनॉमी के फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं। तो ये भी आपने देखा होगा, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे एक नजर आपने देखा होगा तो जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट का जो जीडीपी है, वो ये एग्रीकल्चर से बहुत इफेक्टेड हुआ, उससे काफी फायदा हुआ। तो झारखंड इकोनॉमिक्स में हम वो सब कुछ देखेंगे। ओके, सो एक बार क्विक रन थ्रू 11 चैप्टर्स बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। 11 चैप्टर्स ग्रुप बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इश्यूज इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ग्रुप सी 5 चैप्टर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और ग्रुप डी में 5 चैप्टर्स झारखंड इकोनॉमिक्स से। अब ये जो चार ग्रुप्स है ये आपके गिवन ग्रुप्स है। हम जब प्रिपरेशन करेंगे तब इसके बेसिस पर नहीं करेंगे,
यही हमारा फ्रेमवर्क होगा और हम इसको रीऑर्गेनाइज कर लेंगे, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे इस तरीके से जिस तरीके से हम इसको मैनेज करके पढ़ सके। क्योंकि अगर हमने ऐसे पढ़ना शुरू किया तो अगर आप देखेंगे ये बहुत स्कैटर्ड पार्ट है, और जैसे मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको बताती चली थी कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो इंटरलिंक्ड भी हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेजर इंपैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है, आपको ग्रुप बी में भी कुछ इसकी झलक दिखेगी, ग्रुप ए में भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिखेगा। अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी दिखेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको झारखंड इकोनॉमिक्स में भी दिखेगा, इकोनॉमिक इश्यूज झारखंड इकोनॉमिक्स में भी दिखेगा। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पढ़े फिर इसको पढ़े फिर इसकी रेपिटेशन करें फिर रियलाइज करें कि कुछ कॉमन भी है, फिर हम वापस इस टॉपिक पर आए फिर वहां जाए, इतने हॉच पॉच में आपका समय भी बहुत बर्बाद होगा एंड एट सम पॉइंट ये आपके लिए बहुत उबाऊ भी हो जाएगा। अल्टीमेटली शायद आप पजल्ड होकर सोचो कि अब ये नहीं करना है। तो बेसिकली हम ये ऐसा करेंगे कि इस चीज को हम फर्दर कुछ अलग पार्ट्स में इसको रीअरेंज करके पढ़ेंगे और ऐसा करेंगे कि अकॉर्डिंग और वही फॉलो होगा हमारी प्रिपरेशन और क्लासेस में। सो वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उस चीज को समझते हैं। थैंक यू।